हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके आर स्ट्रीम में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई आरके आर। कैमरे पर अपने भाई अशोक है, पीछे की तरफ लोकेशन है, सामने मैं खड़ा हूँ और आप मेरी वीडियो देख रहे हो। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को शेयर कर दो। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सभी से बातें हो रही है मेरी, फॉलो कर लो अगर किसी को भी मेरे से बात करनी है तो। बाकी लोकेशन आपके पीछे, लोकेशन पर किसने बुलाया, पास में लाइट जल रही है, समथिंग 700-800 मीटर दूर है, वहाँ पर वो एक फैमिली है, इस मकान की वजह से वो परेशान है। क्यों? यहाँ पर रहती थी एक फैमिली, उसके अंदर एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक उसकी माँ। यार बड़ी मशक्कत, हर जगह हर भगवान के सामने सिर टिकाए उन्होंने, उसके बाद में हुआ उनके एक बच्चा, वो भी मरा हुआ। इंसान पे क्या बीतती है जब यार वो इतनी भाग दौड़ करने के बाद में, इतने भगवान पूजने के बाद में, उसके बाद भी उसके बच्चा हो वो भी मरा हुआ। ऊपर वाले कई जो भी खेल है सब ऊपर वाले का है, मरा हुआ जिंदा हुआ सब ऊपर वाले का। पर उस वजह से उसकी दादी को लगा सदमा, उसकी भी हो गई मौत। आज भी इस मकान के अंदर बोलते हैं कि उस दादी की आवाज आती है, अपने पोते को खिलाती है वो, और भी बहुत कुछ। इतनी स्टोरी सुनने के बाद में मैं यहां से वापस जाने लग गया था यार, कसम से बोल रहा हूं। रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, मैं वापस जाने लग गया था कि भाई मैं शूट नहीं कर रहा यहाँ पे। कैमरे पर अपने भाई अशोक है, ये तो इसकी पूरी स्टोरी हो गई, ठीक है। और चारों तरफ का माहौल बहुत ही डरावना है, सुनसान है, और सबसे ऊपर से ऊपर है ये ठंड, सर्दी बहुत ज़्यादा है यार। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कौन सी वो चीज़ है जो आसपास के लोगों को डराती है। भाई दिन को तो आता है यहाँ पर हर कोई, पर रात को कोई भी नहीं आता। तो रात को आप पहुंचे हैं आपके दोनों भाई, आज आ जाओ अशोक भाई। तो यार सबसे पहले तो इसकी जो मास्क, ओ भाई 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 आराम से यार। ये क्या था, पता नहीं ये क्या है मामला भाई, कुछ समझ नहीं आया यार। कौन है अंदर भाई? अपने आप ये है ना। अरे कौन है अंदर, जवाब दो, कौन है अंदर? भाई 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 ये क्या मामला है भाई, कुछ समझ नहीं आया यार। वापस आओ। ध्यान से, कौन है अंदर? हे मेरे भजन बलि, जय हनुमान, जय हनुमान सागर, लोक उजागर। ओ माता, ओ भाई भाई, ये क्या है? ओ भाई भाई भाई, ओ तेरी व्यू आ रहा है ना? हाँ भाई। ओ भाई भाई, हाँ यार इस यहाँ जाना ठीक नहीं है, क्यों? कसम से। ओ भाई, अरे यार ये गेट देखो, सामने 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 व्यू करो। ओ भाई भाई, अरे यार भाई यार, यार नहीं चलेंगे, वापस चलेंगे कसम से।
भाई शुरुआत जिस तरीके हुई ना, कसम से का के बोल रहा हूँ, जान है तो जान है यार, इतनी दूर आए मैं यार भाई, दूर से मतलब नहीं है, जिंदा रहे तो है ना सब कुछ हो जाएगा, और कोई लोकेशन डिलीट कर लेंगे। मत करता है भाई, मैं बोल रहा हूँ यार, मैं नहीं जा रहा, आप भी मेरे कहने से आ जाओ वापस, पीछे हटते हैं अपन ध्यान से, कसम खा के बोल रहा हूँ यार, मैंने इतनी सब कुछ जगह विजिट किया है पर यहाँ ऐसी वाइब्स है ना, और जिस तरीके की शुरुआत हुई है ना भाई, भाई थोड़े से भाई मैं बोल रहा हूँ ना भाई, हिम्मत करने से कोई वो नहीं है, पर अरे यार इसका अब वीडियो में आगे क्या बोलना क्या भाई, कुछ नहीं, वीडियो का द एंड है आज, कोई बात नहीं, आज 5 मिनट के 10 मिनट जो भी अपने निकले, या 1 घंटा अपन रुके, आधा घंटा रुके, कोई बात नहीं, अगर जिंदगी नहीं रही तो वीडियो क्या करेंगे यार। देखो वापस गेट बंद हो गया यार, मैंने बोला तो ना यार, डेंजर जगह है ये, कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, कहीं कहीं थोड़ी सी हिम्मत कर लो यार, कुछ नहीं होगा भाई, मैं बोल रहा हूँ। देखो यार उस भाई ने ना बहुत उम्मीदों के साथ में बुलाया, ठीक है ना भाई, आ जाओ अशोक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे स्पेशल भाई, मैं आपके कहने से आ रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, बाकी मेरे यहाँ जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ है मेरे भजन बिल, माला है ना आपके पास में? हाँ मेरे पास है मेरे बाबा, वापस करो कैमरा घुमाओ, ध्यान से कौन है यहां पर? देखो आप यहां पर जो भी हो, क्या हुआ भाई, मैं बता दी इसका मेरे कैसा लग रहा है, मैं बिल्कुल भी आपको परेशान करने नहीं आया हूं, बिल्कुल भी, ठीक है एक मिनट भाई, मैं बोला था ना फंस गए ना कसम से, बंद हो गया गेट, ठीक है पेंट पता नहीं किसकी है, ये क्या भयानक आत्मा का घर, घर भाई उलझ गए कसम से, व्यू दिखाओ, व्यू दिखाओ, गेट से लगातार आवाज है और ऐसा ऐसा लग रहा है कि किसी ने ट्रैप कर दिया हो, वो अभी तक खेल रहा है या इसको वापस किसी ने चीज नहीं लाया यार, जब इसको हिलते हुए देखता हूँ ना कसम से ऐसी फीलिंग आती है जैसे इसको कोई इसमें कोई बच्चा लेटा हो और कोई इसको झूला झूला रहा हो भाई। हाँ। जो जो आपको लग रहा है ना सेम मेरी कंडीशन है, मैं किसको बता नहीं सकता, ठीक है, मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर आज भी एक बच्चे को झूला झूला रही है, आवाज इसकी है पता नहीं, मैं वापस आऊँ इसमें
देखो आप जो भी यहां पर हो, मैं बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ना आपको परेशान करने के लिए आया हूं। क्या मेरे सामने आ सकते हो? गेट खोलने की कोशिश करते हैं एक बार। भाई गेट खुल गया। भाई 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 अशोक भाई, ये क्या बार, ये देखो इनके लेके कैमरा करके देखो। कुछ दिख नहीं रहा, वो भी मिल रहा है। क्या करें भाई, गेट खुल चुका है, अभी भी मौका है, यहां से निकल चलते हैं। कोई मतलब नहीं है अशोक भाई। हाँ यार, ना जाओ कैमरा पकड़ना, आ जाओ आ जाओ। दरार देख रहे हो ना मकान, बोल रहा हूँ ना, ये एक मौत ने इस पूरे घर को शापित बना दिया है। वापस आओ भाई, पूरा बाहर बाहर गिर गया। ये देखो भाई, रिस्क ले ली, इतनी बहुत है, अब यहां से निकलते हैं। ये आवाज किसकी आ रही है? पता नहीं किस चीज की है, यहां से निकलने में फायदा है, अब रिस्क नहीं लेंगे यहां से। भाई चलते हैं कसम से। एक बार अशोक भाई, मेरे को एक बार बस जो भी चीज है मेरे को देखना जरूर है। ये क्या हुआ? पता नहीं है, हो सकता है उसने हमें मौका दिया हो, एक चांस दिया हो। भाई नहीं चल पा अब, ठीक है भाई। देखो यार आ जाओ, दोस्तों ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे यार, कल को कुछ भी हो गया तो जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं घर पे। गुड नाइट, शुभ रात्रि यार। बस अशोक भाई कर दो कैमरा बंद कर दिया।